हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि आखिरकार हम कौन हैं, हमारी शुरुआत कैसे हुई और किसने की। क्या आज भी हम वैसे हैं जैसे हमारी शुरुआत हुई थी, जहां हमें कुछ चेंज आ चुका है। आइए हम इसके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। और उत्पत्ति की छवि में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, और वह समुन्द्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें पूरा परफेक्ट बनाया, अपनी इमेज पर बनाया। जैसे वो खुद पवित्र, सामर्थ्य और धर्मी था, वैसे ही उसने हमको बनाया, अपने स्वरूप के ऊपर बनाया कि हम इस धरती के ऊपर, हर एक उस जीव के ऊपर जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, उसके ऊपर राज करें, सामर्थ्य रखें और अधिकार रखें। शुरुआत में हम परमेश्वर की तरह बनाए गए थे। हम में कोई मौत नहीं थी, हम में कोई बीमारी नहीं थी, हम परफेक्ट थे। परमेश्वर हमसे चाहता था कि वो एक परमेश्वर की पूरी दुनिया बनाए। आइए हम इसको देखते हैं बाइबल में से। मलाकी 2:15 में लिखा है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि वो आत्माएं उसके पास थीं, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। इसका ये मतलब है कि वो अपने जैसे लोग बनाना चाहता था, अपने जैसी वंशावली चाहता था। जैसा वो खुद है, वैसे वो लोगों को चाहता था। हमने देखा कि परमेश्वर ने परफेक्ट दुनिया बनाई थी, जिसमें कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, ना ही हमारे ऊपर मौत का राज था, बल्कि हम एक राजा की तरह बनाए गए थे। हम इसी दुनिया के ऊपर राज करते थे, हम जानवरों के ऊपर राज करते थे, हम रेंगने वालों के ऊपर राज करते थे। पर ऐसा क्या हुआ जो हमारा राज हमसे छिन गया? ऐसा क्या हुआ जो आज हम गुलामी की तरह रह रहे हैं? तो आओ हम इसको बाइबल में देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या बोलती है। रोमियो की किताब में लिखा है कि इसलिए कि सब ने पाप की और परमेश्वर की महिमा से रहत हैं। तो हम सोचेंगे, ये कब हुआ? हमने कोई पाप नहीं किया, हम परमेश्वर से दूर कैसे हो गए हैं? आइए देखते हैं बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे की ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तभी स्त्री ने वो फल लिया और शैतान के कहने पर उसको खाया, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और उसने उसी फल को अपने पति को भी खाने के लिए दिया जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। इस वचन टूटने के कारण पाप संसार में आया, और सभी देश, सभी लोग और सभी जातियां जो इस संसार में रहती हैं, सबके सब आदम के द्वारा पैदा हुए हैं, और उस आदम का लहू हमारे अंदर है। उसका लहू के अंदर जो पाप है वो भी हमारे अंदर है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि एक ही मनुख के द्वारा पाप इस पूरे संसार में आया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस पाप से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बाइबल इसके बारे में कहती है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्राश्चित किया जाए। आज साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि इंसान के लहू में उसके जीवन है। अगर किसी इंसान से उसका पूरे शरीर का लहू निकाल दिया जाए तो वो इंसान कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसके प्राण उसके लहू में रहते हैं। और इस बात को बाइबल में बहुत साल पहले ही लिख दिया गया था। इसका लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध कर सकता है, क्योंकि हम सब तो आदम के द्वारा पैदा हुए हैं और पापी हैं। तो हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि आदम के द्वारा पैदा ना हुआ हो, और जिसके लहू में कोई पाप ना हो, और जो हमारे लिए बलिदान दे सके, जो हमारे लिए लहू दे सके। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह का जन्म ऐसा ही हुआ है। वो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ है। वचन में लिखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हुआ, जिसमें आदम का लहू नहीं था, और उसका लहू परफेक्ट था हमारी कुर्बानी के लिए, और परफेक्ट था हमारा राज वापस देने के लिए, जो राज आदम के द्वारा पाप करने से हमसे छिन गया था, और हम पापी होके परमेश्वर से दूर हो गए थे, उसकी महिमा से रहत थे। वो राज यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे पास फिर से लौट आया है, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से उस पाप से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि बाइबल में लिखा है मुक्ति पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना होगा कि यीशु मसीह ही मेरे पापों के लिए सूली पर गए और अपने एक एक लहू का कतरा मेरे लिए बहा दिया ताकि मैं अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ही राह है, जीवन है और सच्चाई है, उसके बिना हम पिता के पास कभी भी नहीं जा सकते। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।